जब आपके ब्लॉग पर कम से कम 10 पोस्ट हो जाती है तो आपका ब्लॉग गूगल सर्च में आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन आपका ब्लॉग ऐसे ही गूगल सर्च में नहीं आ जाएगा, बल्कि इसको गूगल सर्च में सबमिट करना होगा, जिसका एक प्रोसेस होता है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च में सबमिट कैसे किया जाता है। अपने वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च में सबमिट करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा, search.google.com। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च में सबमिट कर सकते हैं। ये गूगल की अपनी सर्विस है, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसमें आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। पहले आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई करना होगा कि क्या आप इसके ओनर है। इसके लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप डोमेन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का URL डालकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। तो पहले यहां पर आप अपना डोमेन नेम डालेंगे। इस तरह से जो भी आपका डोमेन नेम है वो आप यहां डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। रिकॉर्ड टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे TXT। नीचे आपको कोड मिल जाएगा, तो इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल वेरिफिकेशन कोड कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जहां से भी आपने डोमेन परचेज किया है आपको वहाँ पैनल में लॉगिन करना होगा। जैसे कि हमारे केस में हमने होस्टिंगर से परचेज किया हुआ है, तो होस्टिंगर में लॉगिन करेंगे। इसमें आपको डोमेन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ऊपर मेन्यू में डोमेन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डोमेन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको DNS नेम सर्वर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक DNS रिकॉर्ड ऐड करना होगा, तो पहले आप टाइप में चूज करेंगे TXT। इसके बाद यहाँ पर आप वो कोड पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया है। ये कोड आप यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं TXT गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इस तरह से ये रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आप यहां वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये आपकी ओनरशिप को वेरीफाई करेगा और आपके सामने आ जाएगा ओनरशिप वेरीफाइड। अगर यहां पर एरर आता है तो आपको 2 से 4 मिनट वेट करना होगा, ये अपडेट हो जाएगा और इसके बाद आपके सामने आ जाएगा ओनरशिप वेरीफाइड। एक तरीका तो ये हो गया कि आप डोमेन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। इसमें आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का URL डालेंगे। इस तरह से आपको URL यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। इसमें आपको एक HTML फाइल मिलेगी, ये HTML फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद जहाँ पर भी आपकी होस्टिंग है उसमें आप लॉगिन करेंगे। जैसे कि हमारी होस्टिंगर के साथ है तो होस्टिंगर में आएंगे। इसमें होस्टिंग में मैनेज पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। पब्लिक HTML पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड की है HTML फाइल, ये आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आप अपलोड आइकन पर क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी फाइल रखी हुई है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे तो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है फाइल और ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। सो इस तरह से पहले आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई करेंगे। दो तरीके आपको मिलते हैं वेरीफाई करने के। आप डोमेन के थ्रू या URL के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको साइट मैप सबमिट करना होगा, तो आप नीचे साइट मैप्स पर क्लिक करेंगे। अभी तक हमने कोई साइट मैप सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें साइट मैप सबमिट करना होगा। साइट मैप के लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने WordPress पैनल में। जब आप Yoast SEO प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं तो आपका साइट मैप जनरेट हो जाता है, आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। आपको बस साइट मैप का लिंक कॉपी करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे Yoast SEO, इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा साइट मैप का, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। इस तरह से आपको साइट मैप का ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो आप इसको इनेबल कर देंगे। साइट मैप देखने के लिए आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये है आपकी वेबसाइट का साइट मैप। आप यहां से लिंक कॉपी कर लेंगे और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर लिंक डालकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और स्टेटस आ गया है सक्सेस। तो यहाँ पर आपको बस ये दो काम करने हैं, एक तो आपको ओनरशिप वेरीफाई करनी होगी, दूसरे आपको साइट मैप सबमिट करना होगा। इसके बाद अगर आपको देखना है कि आपका ब्लॉग या वेबसाइट गूगल सर्च में इंडेक्स हुई है या नहीं, तो इसके लिए आप URL इंस्पेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का कोई भी एक पर्टिकुलर URL डालेंगे जिसको आप चेक करना
चाहते हैं तो यहाँ पर ये चेक करेगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग गूगल सर्च में इंडेक्स हो चुका है। पेज इंडेक्सिंग में आप देख सकते हैं पेज इज इंडेक्स। तो अगर आपका ब्लॉग गूगल में नहीं आया है तो आप यहाँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपका ब्लॉग और वेबसाइट गूगल में आ जाएगा। साइट में बेसिकली आपके ब्लॉग या वेबसाइट का पूरा मैप होता है जिसमें आपकी सभी पोस्ट पेजेस ऑथर पेज सभी कुछ होता है। आप यहाँ साइट मैप पर क्लिक करेंगे, अपने साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज पेज पोस्ट सभी का साइट मैप यहाँ पर आ गया है। अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप यहाँ परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस देख पाएंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही एक वेबसाइट और ब्लॉग को यहाँ पर डाला हुआ है तो मैं आपको उनका दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है। इस तरह से परफॉर्मेंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने परफॉर्मेंस आ जाएगी। जैसे कि गूगल सर्च में मेरी इस वेबसाइट पर टोटल 11,000 से भी ज्यादा क्लिक्स हुए हैं। साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो साइट मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडेक्स है। साइट मैप में 98 URLs है जो कि सबमिट हो चुके हैं। ओवरव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओवरव्यू आ जाएगा। जैसे कि मेरी इस वेबसाइट के 24,703 पेजेस गूगल सर्च में इंडेक्स हो चुके हैं। जब तक आप इस तरह से गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो गूगल सर्च में नहीं आएगा। सो इस तरह से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।